चलते हैं और एक एक करके सारी ट्रेड्स पिक करते हैं पैनल से। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करता हूँ, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ध्यान फार्मा में है, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में हमने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर एडिशन है, रफली 6% ऑलरेडी। स्टॉक भी बहुत अच्छे मोमेंटम है, ब्रेकआउट के ऊपर एक्चुअली है। 1400 जब तक होल्ड करेगा ग्लेनमार्क, मुझे लगता है यहाँ से 1445 से 1460 1500 के लेवल्स के लिए भी आपको शायद 2-3 दिन में मूव करते हुए मिलेगा। तो ग्लेनमार्क फ्यूचर्स बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1400, टारगेट 1445 से 1460 एंड इसके ऊपर 1500। किसी को ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करना है तो एट द मनी 1420 का कॉल ऑप्शन जो रफली 33-34 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 26 का रखिए एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 45 से 50। ओके, ग्लेनमार्क सुबह से इस पैनल में अगर आप देखें काफ़ी बार डिस्कशन में ये आज इंक्लूड किया जा चुका है, अभी फिर मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं। शिल्पा जी का अमूमन अगर आप देखें धारणा यही है, मोमेंटम को प्ले करो। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा जो ट्रेड है वो है अपोलो हॉस्पिटल 6445 पे ट्रेड कर रहा है, 6500 की तरफ जा रहा है और लगता है कि स्टॉप होना चाहिए 6420। तो हॉस्पिटल तो ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आपके लिए बन रही है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? नमस्कार जी। तो देखिए, कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। जिस तरह का ब्रेकआउट हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा, उसको देख के लग रहा है कि शायद पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छी खासी तेजी करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। कैनरा बैंक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो कैनरा बैंक में 114 रुपए 114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 123 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स हैं। 118 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 2.90 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 1.60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 6 रुपए के टारगेट सेट करिए। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, 415 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट हुआ, 78 करोड़ हुआ है, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन कुछ 500 करोड़ से थोड़ा ऊपर की थी, तो उस हिसाब से लेकिन क्या स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है इस समय। कुछ देर में थोड़ा और नंबर्स आएंगे तो उसको और थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है कि नेट प्रॉफिट 417 करोड़ से बढ़कर 479 करोड़ आया है, ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छी खासी रैली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। चलिए अब चलते हैं, आई थिंक राजेश सतपुते की कॉल बाकी है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर मेरी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। दो चीजें हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइस पैटर्न दिखता है, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड द सेकंड इज द चैनल फॉर्मेशन। तो दोनों का डबल ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे ये रिट्रेस नहीं होगा, और अगर रिट्रेस भी होता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो SBI इज अ बाय, स्टॉप लॉस पर्पज की थोड़ा डीप रखूंगा, 875 का मेरा स्टॉप लॉस होगा एंड पोजिशनली मुझे लगता है ये अभी 900 को पार करेगा, तो इनिशियल टारगेट रहेगा 900 का। प्रोबेबली मुझे लगता है अगर कोई वक्त दे तो आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकता है, 930-935 का पोजिशनल टारगेट देगा, तो SBI इज अ क्लियर कट बाय। ओके, SBI क्लियर कट बाय, और 3 जून के बाद अब तक की हाईएस्ट क्लस्टर पे SBI ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव, शानदार शॉर्ट कवरिंग। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल। तो यहाँ पे वीर जी, ओवरऑल रियलिटी में एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, करीबन 1725-27 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 1705, जो टारगेट होगा वो होगा 1785। ओके, तो ओबेरॉय रियल्टी में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई, 1785 के लिए मौका है। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या स्टॉक है? गुड आफ्टरनून जी, मैं लगता है बंधन बैंक, मैंने रिसेंटली थोड़ी बहुत करेक्शन देखी है और ज्यादातर जो पेन पॉइंट्स थे वो मैनेजमेंट के पीछे हैं, मैनेजमेंट इश्यूज जो थे वो भी ज्यादातर एड्रेस हो गए। पिछले क्वार्टर में भी GNPA में हमने ड्रॉप देखा है, SMS में भी लगभग 5.5% से 3.5% तक आ गए हैं। हमें लगता है ये जो इम्प्रूवमेंट वाली जर्नी है ये कंटिन्यू होगी, जैसे जैसे जो एक CGFMU ऑडिट है उसका भी रिजल्ट आता है, वो भी फेवरेबल आता है, तो वो और एक एडवांटेज होना चाहिए। और इसके अलावा अगले 2 साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट्स वगैरह रोबस्ट रहेंगे, 15-16% की ग्रोथ आसानी से कंपनी क्लॉक इन करेगी ग्रेजुअली। जो माइक्रो फाइनेंस या वोलेटाइल बिजनेस है जो NPAs को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ओकेजनली,
हमें लगता है ग्रेजुअली जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे और स्प्लिट बराबर से कर देंगे, जो आपका रिटेल होम लोन बिजनेस है और इसके अलावा जो एमएसएमई बिजनेस माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है। जैसे जैसे ये होता है मुझे लगता है नंबर्स में वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी अगले 2 सालों में, और 2 साल में ग्रोथ रेट्स वगैरह रोबस्ट रहने चाहिए, 40-45 रुपए जैसी ईपीएस में एडिशन बुक वैल्यू में एडिशन होनी चाहिए अगले 2 सालों में। तो उस बुक वैल्यू पे अगर 2 टाइम भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 175 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू आनी चाहिए, और जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट्स आती है प्राइस टू बुक का एस्केलेट होकर 2 के आसपास का आसानी से मिल जाना चाहिए, तो 350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बंधन बैंक तो थोड़ा सा एक शायद एक बार्गेन बाइंग यहाँ पर शरद जी करना चाह रहे हैं। चलिए अब ONGC को एक बार वापस डिस्कस करते हैं।